मेरे घर में जो मेरे आवास के परिसर में जो रोड साफ करते हैं, सफाई करते हैं और जो ड्रेनेज सफाई करते हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को बुलाता हूं, उनके साथ दो घंटे बैठकर दिवाली मनाता हूं। और उसमें मैंने इस बार साल पूछा कि फायर क्रैकर्स कितने बजे, तो बोले पिछले सालों के तुलना में अब 10-20% ही बज रहे हैं, बाकी फायर क्रैकर्स नहीं हो रहे। तो ये नई अच्छी पहल है, ये अच्छा माहौल। हम एनवायरमेंट का प्रशिक्षण अगर स्कूल से देते हैं तो क्या परिणाम होता है, बच्चे ही कहते हैं पिताजी को कि आप मुझे फायर क्रैकर नहीं चाहिए, ये कहने लगे। ये नई शुरुआत है और इसको बढ़ाना हमें है। और इसलिए पानी की बचत, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कचरा उठाना, प्लॉगिंग और ट्रैफिक के नियम पालना, क्योंकि नजदीक के काम साइकिल से करें। मैं तो 8 साल से ई स्कूटर यूज करता हूं, मेरे घर के काम के लिए भी, और मैं जब खुद चलाता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाना है, कहीं जाना है, तो मेरी इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आपसे तो वहां तो, और बाकी कहीं भी बाजार में जाना है, मुझे शौक है, तो मैं स्कूटर चला के और इलेक्ट्रिकल स्कूटर 8 साल से यूज कर रहा हूं। अच्छी है, अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आया है मंत्रालय का, तो मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही यूज कर रहा हूं। तो ये सब हमें लोगों का भी सहभाग चाहिए, एक जन आंदोलन चाहिए। और जन आंदोलन के तहत जब ये हम समस्या के निदान के लिए अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, सरकार भी काम करेगी, सबको साथ लेकर काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बीजिंग में प्रदूषण के समस्या पर 15 साल लगे उनको, तो हम कम समय में हमारे प्रदूषण को मात देंगे और सब मिलके देंगे। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क किया है, सभी साइंटिस्ट रोज बैठते हैं, किसी का भी नया टेक्नोलॉजी आया उसको जांच पड़ताल करते हैं और प्रदूषण खत्म करने के रोज नए उपायों को ढूंढालते रहते हैं। और मुझे लगता है यही रास्ता है, भारत जलवायु परिवर्तन में भी नेतृत्व करेगा और प्रदूषण से भी जल्दी मुक्ति पाएगा, ये मैं कह सकता हूं। बहुत